देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी देशवासी शहीदों को नमन कर रहे हैं। देश को आजाद कराने के लिए हजारों वीर सपूतों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन सभी वीरों को देश नमन कर रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं देश के वीर शहीदों को नमन किया गया। आजादी के 75 साल सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से किस तरह से देश भर के अंदर जबरदस्त उल्लास है, खुशी है, हर्ष है। चारों तरफ लोग अपने अपने तरीके से आजादी के 75 साल मना रहे हैं। हवाओं में देशभक्ति है, फिजाओं में देशभक्ति है, चारों तरफ देशभक्ति का जुनून है। ये समय है उन शहीदों को याद करने का, उन लोगों को याद करने का जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। आजादी के वर्षगांठ के अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की बात भी कही और कहा कि 75 साल पहले अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया, अब पूरा देश इकट्ठा हो जाए तो भारत दुनिया का नंबर वन देश बनकर रहेगा। मैं उन सब लोगों को भी याद करता हूं और उन सब लोगों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद पिछले 75 साल में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए खूब संघर्ष किया और खूब मेहनत की है। आजाद होना एक बात थी, आजादी को बरकरार रखना और आगे बढ़ना एक और बात है। देश में परियोजनाओं का लेकर हो रही चर्चा पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा और इलाज देना फ्री बाई नहीं है। भारत को अमीर देश बनाना है तो मुफ्त इलाज और शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। दुनिया में तमाम देश फ्री शिक्षा और फ्री इलाज देते हैं। हमने अपने बजट का 25% शिक्षा को दिया है। अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा। सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। और दूसरी चीज मैंने देखी, ये जितने अमीर देश हैं सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहाँ चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन। गौरतलब है कि देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरा देश आजादी का जश्न में डूबा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया और शहीदों को याद करते हुए नमन किया। देश में फ्रीबीज की चर्चा पर कहा कि शिक्षा और इलाज फ्रीबीज नहीं है। देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो देश में शिक्षा और हेल्थ मजबूत करना होगा। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।